कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यक्षिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यक्षिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वर्ग संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे, वे असुर हिरण्यकशिपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था, लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है, उसे मृत्युलोक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। इसी के बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। अतः अंत में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई थी। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे, यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। अब सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर लें, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जतलाई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं, और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुँचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपने पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभरूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी सत्पात्रों को दो महान अवतारों के दर्शन हुए थे।